मुंबई भिलाई सेक्टर 6 स्थित सुप्रसिद्ध मां जगदम्बा मंदिर में चैत्र नवरात्रि के महानवमी के अवसर पर माता की आरती और ज्योति दर्शन के बाद श्रीराम जन्म उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसके बाद हर साल की तरह विधि विधान से कन्याओं को भोजन कराया गया। तत्पश्चात दर्शन करने पहुंचे भक्तजनों को महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करते दिखाई दिए। जगदम्बा मंदिर के पुजारी ने बताया कि लगभग 4000 लोगों के महाप्रसाद की व्यवस्था इस प्रांगण में की जाती है। देखिए, आज रामनवमी का हमारे मंदिर में उत्सव मनाया गया। भगवान राम का जन्म बड़े आनंद के साथ मनाया गया। बहुत श्रद्धालु आए हुए, आप लोग देख ही रहे होंगे। और आज कन्या भोज का भी आयोजन है, और कन्या भोज के पश्चात पूरा भंडारा होगा। जितने भी लोग आना चाहते हैं हमेशा आते रहे हैं। विगत 47 वर्षों से मंदिर की स्थापना हमारे इस भंडारा में कितनी जनसंख्या लोग पहुँचते हैं? कुछ नहीं, मतलब लगभग 5000 तो आते ही हैं। और रात तक चलता है, जब तक अंतिम व्यक्ति रहता है तब तक उनको भोजन प्रदान किया जाता है। और 9 दिन बड़े उत्साह के साथ करते हैं। माँ बम्लेश्वरी स्वयंभू प्रकट हुई है, ये स्थापित नहीं है। ठीक, जो हमारे मंदिर के संस्थापक थे हमारे परम गुरु यादवराजी जोजारकर, वो परम भक्त थे माँ बम्लेश्वरी के। डोंगर का उनकी पदस्थापना थी। सुबह 4 बजे जाते थे नित्य, कोई भी मौसम हो। तो वहाँ माँ ने स्वप्न दिया कि उनकी जब भिलाई पोस्टिंग हो गई तो उनको कहा कि अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे मैं अमुक जगह पर स्थापित हूँ, वहाँ से खुदाई कर और मैं प्रकट होंगी। ठीक, सभी जनता के सामने या खुदाई हुई और माँ की जमीन से प्रकट। 47 वर्ष? हाँ, 47। मैं सुभाष शर्मा, मैं 34 वर्षों से मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ।